आज आप बना रहे हैं मछली, मंगूरा मछली जिसको मुच्छन बोलते हैं वो मछली। तो भाई सबसे पहले तो इसको तेल में फ्राई करना पड़ता है। थोड़ा देर हो गई फ्राई करो, इसमें कुछ तेज लग जाते हैं, सरसों का तेल है, इसमें फ्राई करना पड़ता है इसको। तो भाई अपनी ये मछली पे फ्राई हो चुकी है पूरी की पूरी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी फ्राई हो चुकी है। मछली हो चुकी है फ्राई, तो जिसमें हमने फ्राई की है ना वो सरसों के तेल में, तो इसी में हम डाल देंगे प्याज। मीडियम उस पे करके तो प्याज हमको करने हैं ब्राउन। अब इनका रंग हो जाएगा ब्राउन, अभी नहीं हो ना तो थोड़ी देर में देखना इनका रंग हो जाएगा ब्राउन। ये हमारी प्याज ब्राउन, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अब हमको इसको कर देंगे मिक्स। इससे क्या हो गया कि प्याज के अंदर भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी मसालों की। अब 2 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो भाई अपन है 1 चम्मच तो नमक, एक चम्मच मिर्च, फिर 1 चम्मच 2 चम्मच भाई मिर्च, आधे चम्मच कम है धनिया पाउडर, और फिर आधे चम्मच इसमें हल्दी। आधा चम्मच आधा चम्मच गरम मसाला और ये हमारा फिश कड़ी मसाला। ये हमारा भाई फिश कड़ी मसाला। तो अब अच्छे से खुशबू आ चुकी है हमारे प्याजों के अंदर। अभी हम इसमें डालेंगे मसाला अपना जो है। थोड़ा सा पानी, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छी तरह मिल जाए। जो हमारा तेल है ना तो मसाले के ऊपर आ चुका है, इसे पता चलता है कि हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मछली। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स अपने मसाले में अच्छी तरह, जिससे कि मसालों का भी। तो देखिए अब हमारी मच्छी हो चुकी है बनके तैयार। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, जिससे कि खुशबू अच्छी आए। बटे
धनिया गिरने के बाद इसको अब हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो अब हो चुकी है हमारी मछली बनके तैयार।